वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने राउंडेड काउंटरसंक हेड रिविट को डिज़ाइन किया था और आज हम जो है फ्लैट काउंटरसंक हेड रिविट जो है डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डायमीटर की वैल्यू जो है वो हमको माननी पड़ेगी। तो लेट डायमीटर डी इज इक्वल टू 20 mm हम क्या करते हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर ना ही ड्राफ्टर वगैरह नहीं है, ना ही सेट स्क्वायर है, तो एक मैं सिंपल स्केल से ही यहाँ पे आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्टिकल डॉटेड लाइन खींचेंगे एक्सिस, इसको वर्टिकल डॉटेड एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायमीटर क्या माना है डी, वो कितना है हमारा 20 mm। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ही हमको क्या करना है इस पर, तो 10 mm लेफ्ट हैंड साइड में मार्क लगा लेंगे इस वर्टिकल एक्सिस लाइन के, और 10 mm जो है राइट हैंड साइड में हम मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, एक सर्टेन वर्टिकल एक्सिस लाइन पर ही डिस्टेंस पर हम एक मार्क लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और एक मार्क राइट हैंड साइड में लगा देंगे। ठीक है, अब इन दो लाइंस को क्या करेंगे, आपस में एक सर्टेन लेंथ तक पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में क्या करेंगे मिला देंगे इस तरह से, और ये हमारा क्या हो गया डायमीटर डी, जिसको हमने क्या किया था 20 mm माना था। ठीक है, इसको हम शो कर देते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना होगा, इस पर क्यों है 60 डिग्री का एंगल बनाना है इस लाइन पर, तो क्या करेंगे 30 डिग्री इस पॉइंट से बनाएंगे इस, और 30 डिग्री इस पॉइंट से बनाएंगे, तब हमारा जो होगा 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। यहाँ मेरे पास अभी प्रोटेक्टर भी नहीं है ना ही ड्राफ्टर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टर रख लेंगे, आपके पास जो भी होगा, या ड्राफ्टर में सीधे आप हॉरिजॉन्टल स्केल को मूव करके 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो इस साइड से मैंने 30 डिग्री का बनाया और 30 डिग्री का ये एंगल बना लेता हूँ मैं इस तरह से, तो ये हमारा जो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक, अब हमको क्या करना होगा, रिविट की हाइट जो होती है 0.5D होती है, रिविट की हाइट जो होती है वो कितनी होती है 0.5D, कौन से की होती है, वो होती है फ्लैट काउंटरसंक हेड के रिविट की हाइट जो होती है 0.5D होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, रिविट की हाइट निकालनी है हमको 0.5 × अब डायमीटर हमारा जो कितना है यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो 20 से हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना आएगा 10 mm। अभी जो 10 mm हमको लेना है वो इस ये वाला जो इस वाले पॉइंट से, ये 30 डिग्री वाले एंगल जो आपको जो एंगल बना है 60 डिग्री का पूरा, तो 10 mm हमें इसी एंगल पे ही लेना है हाइट। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से मिला देंगे, और 10 mm आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे बनाइएगा कि इस वाली लाइन को जो आपने एंगल पे लाइन बनाई है उसको क्या करें ओवरलैप करती हुई जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देना है इस तरह से। ठीक, तो ये अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक नीचे जो है वो राउंड सेक्शन आपको बनाना है इस तरह से,
राउंड सेक्शन को बनाने पर यहाँ पे आपको ये हैचिंग लाइन से इस वाले पार्ट को शो कर देना है, ठीक है। अब इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसका डायमीटर को डी से नोट कर दिया है, ये जो ऊपर मैंने दे रखा है डायमीटर डी इज इक्वल टू 20 mm, तो इसका जो डायमीटर है 20 mm है, ठीक है। तो और इसके रिवेट की जो हाइट है वो कितनी होगी, इसको भी मैं शो कर दूंगा इस तरह से, आपको शो कर देना है। वो रहेगी 0.5D इस तरह से। आप लोग ड्राफ्टर की ही हेल्प से बनाइएगा, इस तरह शो कीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, आप लोग इसको आराम से बनाइएगा तो बहुत अच्छी तरह से बनेगा। अब इसकी जो हेड का जो डायमीटर होगा वो कितना आएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा 1.5D आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1.5D, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम दिखा देंगे, डायमेंशन करेंगे देंगे 1.5D, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो बन के तैयार हो गया है फ्लैट काउंटरसंक हेड रिवेट, मैं लिख भी देता हूँ, फ्लैट आई थिंक आप लोग इसको बहुत ही आसानी से डिज़ाइन कर लेंगे, और आगे के जो भी रिवेट हैं आप इसको अच्छे से बनाइए, डिज़ाइन कीजिए, और लास्ट में मैंने आपको जितने ही पढ़ा दिए उसको अच्छे से बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।